किर्गिस्तान में फरवरी मार्च के अंदर मेडिकल का एमबीबीएस वालों का सेशन स्टार्ट हो जाता है। वीजा रेशो बहुत अच्छी है, 92% वीजा रेशो है। किर्गिस्तान में हालिया जो है पाकिस्तान में जो इदारा है पीएमडीसी, इन्होंने बल्कि ऑलमोस्ट इन्होंने सब कंट्री के अंदर ही कैटेगरी दी हुई है ए बी सी कैटेगरी। ए कैटेगरी के अंदर जो है ना वो बहुत आला क्वालिटी फैसिलिटीज की यूनिवर्सिटीज हैं। बी सी कैटेगरी जो है वो यूनिवर्सिटीज जब खुद मूवमेंट करेंगी वो फिर ए कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ए कैटेगरी के अंदर एडमिशन जो है इनकी वैल्यू ज्यादा है। किर्गिस्तान के अंदर टोटल 6 यूनिवर्सिटीज हैं और वो किर्गिस लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में एमबीबीएस करवा रही हैं। फीस इनकी खासी कम है, इनकी फीस तकरीबन पूरे मुकम्मल जो है 5 साल की फीस जो है इंक्लूडिंग अकोमोडेशन रहाइश खाना वगैरह तो टोटल 60 लाख रुपए तक बनती है। जबकि अगर यही आप पाकिस्तान के अंदर करेंगे तो आपकी जो टोटल फी है वो 1 करोड़ के करीब बन जाती है अकोमोडेशन रहाइश के अलावा। और अगर आप 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ टोटल, लेकिन अगर आप यही कहीं यूरोप या किसी अच्छे कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जाके एमबीबीएस करेंगे तो वहां पे फी जो है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए पर एनम बनेगी आपकी, 1 साल की इतनी फी बनेगी, मतलब 5 से 6 करोड़ में मेडिकल होगा। लेकिन उनकी वो बड़े कंट्रीज हैं, उनकी जाहिर है फैसिलिटीज भी ज्यादा है, उनकी वैल्यू भी ज्यादा है। और जब किर्गिस्तान में आप मेडिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हाउस जॉब आप करते हैं तो ये आपको मोस्टली इदारे जो है सैलरीज वगैरह नहीं देते। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो एमबीबीएस करते हैं उनको सैलरी हाउस जॉब की भी तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये मिल रही है, 45 हज़ार भी मिलती है। लेकिन किर्गिस से जो करके आते हैं या फॉरनर स्टूडेंट जो होते हैं उनको ये सैलरीज नहीं देते। ये मेरा इनसे पर्सनली मुतालबा है कि ये भी आपके पाकिस्तान के लोग हैं, ये भी कौम की खिदमत करने के लिए हैं, तो इनको भी चाहिए कि आपको कि इनको सैलरीज दिया करें। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि जो किर्गिस्तान से एमबीबीएस करके आते हैं तो उनके एमबीबीएस की वैल्यू कितनी है। एक तो चीज़ के जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान में आके पहले टेस्ट देना होता है और टेस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद उनकी डिग्री जो वैलिड होती है और वो प्रॉपर जो है इदारों के अंदर काम कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, सवाल इसलिए पूछते थे कि जाहिर है पाकिस्तान के अंदर मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, तकरीबन 85% से ऊपर ऊपर जो है ना वो बच्चे जो पाकिस्तान के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, और जो सरकारी इदारे हैं पाकिस्तान में वहाँ पे तो मेरे ख्याल से 95% से अबव हों तो फिर जाके एडमिशन मिलता है। लेकिन 85, 87, 88, 90% नंबर हों तो फिर प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर मेडिकल में एडमिशन मिलता है। तो काफ़ी सवाल ये पूछ रहे थे कि जाहिर है जिन लोगों का इतना मेरिट नहीं बना पाकिस्तानी स्टूडेंट से जो पाकिस्तान के अंदर एडमिशन लेते हैं उनसे कम कम्पिटेटिव हैं। जाहिर है कि ये यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान वाली जो है ये 60% पे एडमिशन दे देती है, अभी एक दो यूनिवर्सिटी ने 70% कर दिया, मेरिट हाई कर दिया, वैसे 60% पे ये एडमिशन दे देती होती हैं। तो जाहिर है फॉरेन कंट्री में वही बच्चा जाता है जिसके नंबर जो पाकिस्तान में नहीं आते, मेरिट नहीं बनता, तो जब ये मेडिकल करके कम्प्लीट करके वापस जाते हैं तो क्या कंपेरेटिवली ये पाकिस्तानी स्टूडेंट से ज़्यादा बन सकते हैं या इनमें कोई कमी होती है, ये ज़्यादा प्रॉपर अच्छे बेहतर डॉक्टर नहीं। तो इसका मैं आपको सबसे वाजिया जवाब दूं कि जैसे कुछ बच्चे हम देखते हैं मैट्रिक में टॉप करते हैं जबकि इंटर में आते ही वो सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं, कुछ तो फेल हो जाते हैं, और इस तरह जो इंटर में टॉप करते हैं वो आगे बी कॉम में जाके मतलब कि ये अप्स डाउन चलता रहता है। और मैंने काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स को देखा है जिन्होंने रशिया से किर्गिस्तान से मेडिकल किया हुआ है और वो पाकिस्तान में आके ज़्यादा अच्छे ज़्यादा बड़े डॉक्टर हैं, ज़्यादा अच्छा उनका नाम है और उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी डॉक्टर्स। तो ये बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं इनका जाहिर है इन्होंने स्ट्रगल मेहनत ज़्यादा की है, इनका मेरिट ज़्यादा अच्छा बना है तो ये ज़्यादा समझदार हैं और जो बाहर से करके आते वो नहीं, ऐसा हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर कि वो कितना इंटरेस्ट लेता है अपने सब्जेक्ट में अपनी फील्ड के अंदर। इसके अलावा बिल्कुल किर्गिस्तान की डिग्री वैलिड है, किर्गिस्तान का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मुस्लिम कंट्री है, 80% अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, बाकी अदर दूसरी कम्युनिटीज़ के हैं। इसके अलावा सोम इनकी करेंसी है, लैंग्वेज इनकी किर्गिस है, और मैंने बता दिया आपको इंग्लिश और किर्गिस लैंग्वेज में ये मेडिकल करवाते हैं, तो जाहिर है जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज में करेंगे, बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वो इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं लेडीज़ इनके लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है इस कंट्री में जाके मेडिकल करने का। मेरे पास जितनी भी मालूम थी मैंने आप तक पहुँचा दी, अगर कोई बात पूछने वाली रह गई तो वो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।